आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की योग्यता क्या होनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और यूपीएससी के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर युवा एक बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पर नौकरी करना चाहता है। सबकी इच्छा होती है कि वो एक अच्छे सरकारी विभाग में एक बड़े अफसर के पोस्ट पर नौकरी पाए। हमारे देश के सारे सरकारी विभागों के बड़े अफसरों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा आयोजित होती है और ये परीक्षा हमारे देश के सबसे सम्मान्य और कठिन परीक्षा में से एक है। आप सबने तो कभी ना कभी यूपीएससी परीक्षा के बारे में सुना ही होगा। अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी भारत का प्रमुख भर्ती एजेंसी में से एक है। ये सभी भारतीयों को सेवाओं के लिए नियुक्त करता है, परीक्षाओं का आयोजन करता है जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ सभी सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य सभी सरकारी नौकरियां जो इन परीक्षा में सम्मिलित है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। इनका मुख्य काम ग्रुप ए और ग्रुप बी जैसे श्रेणियों में अधिकारियों को सिविल सेवाओं में भर्ती करना है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम की योग्यता के बारे में। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। यूपीएससी देने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएशन पूरा करना अनिवार्य है, यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष यानी अंतिम सेमिस्टर में अध्ययनरत होना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम के उम्र सीमा यानी एज लिमिट के बारे में। यूपीएससी देने के लिए विभिन्न कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है। सामान्य यानी जनरल वर्ग के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 32 वर्ष यानी अधिकतम सामान्य वर्ग वाले 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एससी एसटी वर्ग वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की सीमा में छूट दी जाती है। ओबीसी कैटेगरी के छात्र के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र इस एग्जाम को 9 बार दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षा के बारे में। सीएससी, ईएससी, सीडीएससी, आईएफएस, एनडीए आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है जिसमें आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईईएस, एनडीए, एनए, सीएमएस, आईएफएस, सीएपीए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट आदि परीक्षाएं सम्मिलित हैं। इसके साथ ही कई अन्य सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन भी करवाती है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किन किन विषय से प्रश्न आता है, इसमें आपके सारे विषय से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इस परीक्षा को हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक कहा जाता है। यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको निरंतर बहुत ही मेहनत करना होता है। आपको हर एक विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। सारे विषयों की बेसिक जानकारी के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़नी होती है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले किताबों का सही चुनाव अति आवश्यक है। आपको उन्हीं किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो यूपीएससी एग्जाम के लिए सुझाए जाए। आपको इन किताबों को एक नहीं 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार में आपको चैप्टर डिसाइड करना होगा कौन कठिन है कौन सरल है। दोबारा जब आप पढ़े तब जो अहम चैप्टर है यानी कठिन वाले उससे शुरुआत करें। अगर आप प्रिलिमिनरी या मेंस से पहले इन किताबों का एक बार फिर अध्ययन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आम भाषा में स्टूडेंट कहते हैं रिवीजन। अगर आपको मालूम है कि सिविल सर्विस एग्जाम में करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज यानी जीके काफ़ी मायने रखते हैं, एक हद तक कहें तो ये काफ़ी ज़रूरी है। पेपर 1 करेंट अफेयर्स और जेके से कम 30 से 40 सवाल पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को पूरा करने के लिए किताबों के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन रोजाना अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको यूपीएससी की 10 से 15 साल के
पुराने प्रश्नों को भी हल करना बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों से हमें अंदाजा लगा जाता है कि किस किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और इससे हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम की सिलेबस के बारे में। यूपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा में दो पेपर होते हैं, पहला सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर और दूसरा पेपर जनरल स्टडी या जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। पहला पेपर जो कि 2 घंटे का होता है और 200 अंकों का होता है। पेपर दो, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। इसमें पहले पेपर का अंक नहीं जोड़ा जाता है। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, उसमें से 2 पेपर 300 मार्क के होते हैं, यानी उसमें पास होना अनिवार्य है। लेकिन फाइनल मेरिट के लिए उनके मार्क को नहीं जोड़ा जाता है। बाकी के 7 पेपर में निबंध, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। जो पेपर 250 अंकों के होते हैं, यानी कुल मिलाकर 1750 अंकों का पेपर होता है। इन 7 पेपर में हासिल मार्क्स के बेसिक पर ही फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। मेंस एग्जाम के बाद पर्सनालिटी टेस्ट यानी आम भाषा में कहे तो इंटरव्यू होता है। इसमें केवल आपके विषय से ही प्रश्न नहीं किए जाते, बल्कि उम्मीदवार के हाजिर जवाब में की भी परीक्षा ली जाती है। उम्मीदवार के आत्मविश्वास की परीक्षा ली जाती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में उम्मीदवार की निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है। यूपीएससी परीक्षा का सबसे कठिन चरण इंटरव्यू ही होता है। अधिकतर युवा इंटरव्यू में ही असफल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम के बाद सैलरी के बारे में। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, यूपीएससी के लिए विभिन्न पदों पर एग्जाम लिए जाते हैं, यानी विभिन्न पदों के लिए सैलरी भी अलग अलग होती है। इंडियन फॉरेन सर्विस की बात की जाए तो इनकी सैलरी 12,750 रुपये से 90,000 तक उनकी रैंक पर डिपेंड करता है। अगर बात इंडियन फॉरेन सर्विस की जाए तो इनकी सैलरी 15,600 रुपये से 67,000 यानी 67,000 तक होती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस की बात की जाए तो इनकी पर मंथ की सैलरी 80,000 तक होती है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस की सैलरी की बात कहे तो 1,50,000 करीब होती है। सैलरी के अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी के सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती है और इन्हें समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एग्जाम की योग्यता क्या होनी चाहिए और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें और यूपीएससी के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।